वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना प्रॉपर्टी अपनी की। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 3 BHK जो कि होने वाला है प्रॉपर गेटेड सोसाइटी में। प्रॉपर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। 120 गज में हमारा 3 BHK होने वाला है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो आपको ये फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड मिलने वाला है सेम रेट पे, यानी फ्लैट रेट पे आपको ये फुल्ली फर्निश्ड मिलने वाला है। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 3 एकड़ की गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट एक ही गेट से मिलता है, और यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। बात करें अगर यहाँ पे पानी की, सीवरेज की, ये सारी चीज़ें डन हो चुकी है। रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है ये, एंड जो पानी है ये 2 चीज़ों से मिलती है हमें। एक तो MC अप्रूव भी हमें यहाँ पे पानी मिलता है, एंड जो कंपनी का खुद का रेरा का है या जो सोसाइटी का है उसका भी आपको पानी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा 3 BHK फ्लैट है, यहाँ पे इस फ्लैट की खासियत क्या है, सोसाइटी की खासियत क्या है, और यहाँ पे हमें क्यों ये जो है फ्लैट परचेज करना चाहिए। बात कर ले यहाँ पे रेंटल इनकम की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि जब हमें फ्लैट लेना है तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती है। रेंटल इनकम होना चाहिए, ऑन हाईवे प्रोजेक्ट होना चाहिए, इंटरनल रोड्स जो हमारी है वो बड़ी होनी चाहिए। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद हम टोटल आपको जो हमारा सैम्पल फ्लैट है ये एक बार विजिट करवाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर रेंटल इनकम का, जो दोस्त 3 BHK है हमारा, ये चढ़ता है 30,000 से 35,000 रुपये के रेंट पे। और बात कर लें यहाँ पे इंटरनल रोड की, तो मोहाली का मेरे को लगता है पहला ये प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे आपको जो इंटरनल रोड होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर रोड है, वो आपको मिलता है 50 से 55 फुट वाइड रोड। पार्किंग की बात करें तो आपके फ्लैट के सामने एक पार्किंग मिलती है। गेस्ट पार्किंग के लिए यहाँ पे जो पार्क दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, टोटल आपको 3 पार्क मिलते हैं, और पार्क के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा गाड़ी की पार्किंग मिलती है जिसको हम गेस्ट पार्किंग भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ये फ्लैट होने वाला है, बोथ साइड ओपन होने वाला है, पार्क फेसिंग फ्लैट होने वाला है। कुल मिला के जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आके सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बात कर ले ऑन हाईवे की, तो खरड़ लांडरा हाईवे पे बिल्कुल आपको ना 20 मीटर अंदर जाना है ना 50 मीटर अंदर जाना है, बिल्कुल खरड़ लांडरा हाईवे के साथ बिल्कुल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। बहुत अच्छी लोकेलिटी है। एक बार मैं आपको अब सैंपल फ्लैट की पूरी विजिबिलिटी दिखाता हूँ कि हमारा जो सैंपल फ्लैट है वो कैसा दिखता है, 20 गज में बना हुआ। तो आइए चलते हैं, आप सैंपल फ्लैट देखते हैं। तो जैसे ही हम अपने फ्लैट में इंटर होते हैं, आप देख सकते हैं ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया हमें साथ में मिलता है, जिसकी साइज की अगर हम बात करें तो 11/17 का हमारा साइज मिलता है। आप देख सकते हैं ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया, ये हमारा ड्राइंग एरिया हो गया, तो ये हमें दोनों अटैच मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट में, तो आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि ये जो हमारा 120 गज में फ्लैट होने वाला है, यहाँ पे आपको 3 बेडरूम के साथ 3 वॉशरूम भी मिलता है। बहुत लोगों को कंसर्न होता है कि हमें 2 वॉशरूम मिलता है, बट यहाँ पे आपको 3 वॉशरूम मिलता है। बात कर लें ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया की फॉल सीलिंग की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक यूनिक डिज़ाइन है, और इसको काफ़ी अच्छे से एक तरीके से डेकोरेट भी किया गया है, तो आप भी इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम का। इस 3 BHK का मैं आपको एक और खास बात बता देता हूँ कि लोगों को कंसर्न होता है कि हमारा मास्टर बेडरूम कौन सा है, लेकिन इसके साथ ही जो हमारा दूसरा बेडरूम है उन दोनों के साइज की अगर हम बात करें, 12/13 का हमारा जो है वो हमारा दोनों बेडरूम है, और इसमें आप कोई भी दोनों को ही किंग साइज बेडरूम बोल सकते हैं, मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, तो ये आपका दोनों ही मास्टर बेडरूम हो जाता है। बात करें हम अपने कबर्ड की, तो आप देख सकते हैं इधर आ जा, आप देख सकते हैं हमें फुल साइज का हमें यहाँ पे कबर्ड मिलता है। कबर्ड के साथ ही हमें ड्रेसिंग कंसेप्ट भी मिलता है इसमें आपको। मैं एक बार इसका स्पेस आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया में काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पे स्पेस मिलता है, आप अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह इसमें इजीली रख सकते हैं। साथ में वार्डरोब की बात करें तो ये भी हमें काफ़ी स्पेसियस वार्डरोब भी यहाँ पे मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें वेंटिलेशन की, तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए हमें काफ़ी अच्छा विंडो दिया गया है। साथ में विंडो के बात करें तो इसके बाद हमें जो है हमारा बालकनी से मिलता है या वॉशिंग एरिया मिलता है। इसके साथ जो हमारा फ्लैट है बोथ साइड ओपन, जैसे मैंने आपको फ्लैट बताया था, तो ये बोथ साइड ओपन मिलता है, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी आने वाली है। साथ में बात कर लेते हैं इसकी वॉशरूम की, तो वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस होने वाला है। पेरीवेयर की सारी फिटिंग्स यहाँ पे आपको मिलती है। टाइल की बात करें तो टाइल काफ़ी यूनिक कंसेप्ट में यहाँ पे लगाया गया है, सारी बड़ी टाइल्स यूज के लिए यहाँ पे कोई भी छोटी टाइल्स यूज नहीं की गई। वॉशरूम में भी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉशरूम में भी काफ़ी वेंटिलेशन आता है, जिससे कि आपके वॉशरूम के स्मेल वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके रूम में नहीं आएगी। अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे बेडरूम में, इसको भी आप मास्टर बेडरूम कंज्यूम कर सकते, मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं,
तो इसमें भी आपको मैं अगर कबर्ड की बात करूं तो ये भी हमें फुल लेंथ की कबर्ड मिलती है। अगर मैं कबर्ड की बात करूं तो इसमें भी हमें फुल लेंथ की कबर्ड मिलती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको फॉल सीलिंग की बात करूं तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा और सिंपल सा फॉल सीलिंग मिलता है। साथ में इसको भी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। इसमें भी बात करें अगर हमारे वॉशरूम की तो इसमें हमारा वॉशरूम काफ़ी स्पेसियस है और साथ में इसमें जो टाइल लगाया गया है वो उस वॉशरूम के कंपेरिजन अलग लगाया गया। इसमें भी आपको बड़ी टाइल यूज़ करके मिलती है, आपको शावर वगैरह सारा कुछ अच्छी फिटिंग्स करके मिलती है। अब बात कर लेते हैं हमने वॉशिंग एरिया की, तो अभी मैं अपने वॉशिंग एरिया में खड़ा हूँ और वॉशिंग एरिया भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्पेसियस वॉशिंग एरिया मिल जाता है। साथ में ये जो हमारा ये वाला साइड है ये बहुत से डबल फ्लैट होने की वजह से इसके पीछे कुछ नहीं है, तो वेंटिलेशन भी आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हमने अपने तीसरे बेडरूम और गेस्ट बेडरूम में। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे बेडरूम का। ये देख सकते हैं आप इसको एज अ गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं। तो इसका जो साइज है वो 11x11 का होने वाला है और इसमें भी अगर मैं कबर्ड की बात करूँ तो फुल लेंथ कबर्ड मिलता है। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो तीनों रूम में हमें अलग अलग डिज़ाइन का फॉल सीलिंग मिलता है और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से लाइटिंग और जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल लगा इसके साथ डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी वेंटिलेशन की और आगे से व्यू की तो काफ़ी अच्छा व्यू होने वाला आप देख सकते हैं। आप आगे वो देख रहे हैं आप छोटा सा वहाँ पे जो आपको थीम दिख रहा है वहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे पार्क आने वाला है। यानी आपको जो फ्लैट जितने भी फ्लैट होने वाले हैं सारे फ्लैट पार्क फेसिंग होने वाले, काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है आपको फ्लैट से। आ चुके हैं अपने तीसरे वॉशरूम में। इस वॉशरूम की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा स्पेसियस है और इसकी मैं बात बताऊं तो ये आपको ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया के साथ एंड जो आपका जो गेस्ट बेडरूम है उसके साथ इन दोनों के साथ कॉमन वॉशरूम मिलता है। यानी कोई आपका गेस्ट आता है तो ये वॉशरूम यूज करता है, आपका सेपरेट वॉशरूम में कोई नहीं जाएगा। इसमें भी अगर टाइल की बात की जाए तो दोनों जो वॉशरूम थे हमारे उससे अलग टाइल यूज की गई है। इसमें भी सारी बड़ी टाइलें यूज की गई, कोई छोटी टाइल यूज नहीं की गई, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी किचन की, तो जो हमारा किचन साइज है वो 9x10 का किचन होने वाला है। साथ में मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे यहाँ पर जो सिंक मिलता है वो साउंड प्रूफ सिंक मिलता है। यहाँ पे जो किचन में फिटिंग मिलती है वो जगवार की फिटिंग मिलती है। आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी है जगवार। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे बोर्ड लगे हुए हैं, गोल्ड मेडल की सारी वायरिंग है, गोल्ड मेडल की सारी स्विचेज हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। मतलब अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। साथ में आपको बात करूँ तो आपको एज इट इज जो मैंने आपको बताया कि फुल्ली फर्निश्ड मिलता है, आपको फ्रिज मिलता है, गैस मिलते हैं, उसके बाद चिमनी आर ओ सब कुछ आपको लगा के एज इट इज मिलता है। बात अब ये सोसाइटी की एक बात में और आपको बता दूँ, खास बात बता दूँ तो इस सोसाइटी में आपको अंडरग्राउंड वायरिंग मिलती है। यानी कि आपको या तो आपके घर में या तो पूरे सोसाइटी की बात करें तो कहीं भी आपको ओपन वायर नहीं मिलती है, अंडरग्राउंड सारी वायरिंग आपको देखने को मिलती है। बाकी मैंने आपको रोड साइट कैसी है, सोसाइटी कैसी है, ऑन साइट सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसको बता देते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। आप आके अभी बुकिंग करके आप रहना शुरू कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ की प्राइसिंग की तो 47-90 से ये प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड जो ये प्राइस है ये नेगोशिएबल है। आप कॉल करके अगर इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहते हैं, प्राइस के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे हो सकता है क्या हो सकता है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल सकती है। थैंक यू सो मच।